अपनी मांगों को लेकर आंदोलित जेटेड पास सहायक शिक्षक मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास घेरने वाले थे, लेकिन धरना स्थल राजभवन के समीप ही उन्हें रोक दिया गया। तमाम प्रयास के बाद भी उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उनके सीएम आवास घेराव को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती भी की गई थी। जेटेड पास सहायक शिक्षक वेतन मान की मांग को लेकर पिछले 127 दिनों से धरने पर है। जेटेड पास सहायक शिक्षक राजभवन से मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर एकजुट भी हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें धरना स्थल पर ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया। यही वजह है कि वे राजभवन से आगे नहीं बढ़ सके। देखिए, ये आश्वासन की घुट्टी हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 127 दिन से हम लोग बैठे हुए थे और तमाम जो सरकार के पदाधिकारी हैं और विधायक मंत्रीगण हैं, उन लोगों से जब हम लोगों ने संपर्क कर रखा था तो उनका कहना था कि देखिए, सरकार जब तक निर्णय नहीं लेती है तब तक हम लोग वार्ता करने आपसे नहीं जाएंगे, क्योंकि वार्ता आपसे कर लेंगे, आपको एक आश्वासन दे देंगे, फिर सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी तो फिर बाद में हम लोगों को जो है इसका कोप भाजन बनना पड़ेगा। तो ये इन दोनों का भी ये पूर्व में, चूंकि हम लोग पूर्व एक पिछले 1.5 साल से इनसे संपर्क में हैं कि आप हम लोगों की बात को सुनिए, तो इसीलिए प्रदेश कमेटी इन पर विश्वास जताई है कि कहीं ना कहीं सीएमओ के तरफ से कोई ऑथेंटिक पुष्टि हुई होगी, तभी हमारे बीच में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दर्जा प्राप्त मंत्री जोगेंद्र प्रसाद और हमारे केंद्रीय महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा के विनोद कुमार पांडे जी उपस्थित हुए थे, और हम लोगों को भी जानकारी मिली है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री के जो ऑथेंटिक पर्सन है उनके तरफ से ये सहमति मिली है कि आप इन लोगों का वार्ता आंदोलन स्थगित करिए। हम लोगों ने भी इनके बातों पर सहमति जताया है कि 5 तारीख तक इन लोगों ने समय लिया है, 5 जनवरी तक हम लोग आंदोलन को स्थगित करते हैं। 5 जनवरी तक अगर वार्ता उच्च स्तरीय कमेटी की वार्ता नहीं होती है, सकारात्मक नहीं होती है, हमारी जो एक मांग वेतनमान हो उसकी पूर्ति नहीं होती है, उसकी पूर्ति के ठोस पहल नहीं होती है, तो हम लोग पुनः 14042 पुनः आएंगे। हमारा वार्ता पंडाल जो है हमारा वो लगा हुआ रहेगा, जैसा लगा हुआ है आंदोलन जारी रहेगा 5 तारीख तक। अगर चूंकि बहुत लोग हम लोग को आश्वासन दिए हैं। सीमांता घोषाल, झारखंड राज्य टेट सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति सदस्य। जानकारी के अनुसार जेटेड पास सहायक शिक्षक समेत पारा शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वेतन मान की मांग को लेकर मंगलवार 26 दिसंबर को राज्य भर के टेट सफल पारा शिक्षकों का गुस्सा सड़क पर दिखा। राजभवन के समक्ष जुटे इन पारा शिक्षकों ने न केवल सरकार विरोधी नारे लगाए बल्कि मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए भी जिद पर अड़े रहे। हालांकि पुलिस प्रशासन के व्यापक तैयारी के आगे यह विवश दिखे। लोगों ने इनसे बात की, इनके प्रतिनिधियों से बात की और सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने सभी साथियों से अनुरोध किया है कि आप पिछले 127 दिनों से आंदोलनरत हैं और हम लोग चाहते हैं कि आपका आंदोलन समाप्त हो, आपका जो भी डिमांड है उस पर सकारात्मक पहल हो, और इस दिशा में सरकार से वार्ता के लिए हम लोगों ने इनसे अनुरोध किया। ये लोग तैयार भी हो गए हैं और 1 सप्ताह के अंदर में इनकी वार्ता सरकार के सक्षम पदाधिकारियों के समक्ष होगी और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि सकारात्मक निर्णय होगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।